नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाखी की रसोई में। तो आज की हमारी रेसिपी है फुलका रोटी। आज हम देखेंगे कि आसान तरीके से फुलका रोटी कैसे बनाई जाती है। हमने एक सेपरेट वीडियो आटा कैसे गूंधा जाता है उस पर बनाया हुआ है और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि फुलका रोटी कैसी बनाई जाती है। आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंद के तैयार है। अगर आपको आटा गूंदने की रेसिपी की लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अब हमने तवे को या पैन को गैस पे लो फ्लेम में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आटे की लोई बनाएंगे। कई लोग उसे आटे के लड्डू भी कहते हैं, कई लोग उसे आटे के बॉल्स कहते हैं। तो हमें सबसे पहले गूंधे हुए आटे की लोई बनानी है। तो आप देखिए हम किस तरह आटे की लोई बना रहे हैं। आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए ताकि आपकी लोई सभी एक साइज की बने। तो लीजिए, हमारी सभी लोई अब लगभग बन के तैयार है। आप सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब देखिए रोटी किस तरह बेली जाती है। आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए ताकि आपकी भी रोटी अच्छी तरह सभी तरफ से गोल आकार की बने। हमारी रोटी बेल के बिल्कुल रेडी है। अब हम उसे तवे पे डालेंगे। अब हमने गैस का फ्लेम हाई नॉब पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं रोटी किस तरह पक रही है। अब हमें उस रोटी को पलटना है। अब आप देखिए हमने एक तरफ से रोटी को किस तरह पकाया है। अब हमें दूसरी तरफ से रोटी को पूरी तरह से पकाना है। आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा गैस अभी भी हाई नॉब पे है। आप एक चिमटे के सहारे से रोटी को इस तरह से गैस पे पलटिए और आप देख सकते हैं हमारी फुलका रोटी बिल्कुल तैयार है और अच्छे से फूली हुई है। तो आपने देखा दोस्तों, फुलका रोटी बनाना कितना आसान है। आप सेम इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपनी फुलका रोटी बनाइए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।